हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये मैं रियली में बहुत 3 दिन हो गया मुझे परेशान होते हुए, 3 दिन मैं परेशान रही हूँ। ना तो थंबनेल सेव हो रहा था, ना ही एड लग रहा था, और ना ही टाइटल टैग, कुछ भी नहीं डाल पा रही थी मैं YT स्टूडियो से। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो मैंने कैसे क्या किया है वो मुझे आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी। शायद ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, जिनका चैनल मोनेटाइज है उनका एड नहीं लग रहा होगा, और बाकी कुछ भी नहीं हो रहा होगा जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही होगी सेम। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ बात करना चाहूंगी। प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, प्लीज। और ये विनती सिर्फ यूट्यूबर से ही है, जो यूट्यूबर है सिर्फ उन लोगों से ही विनती है कि प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी का भी वीडियो देखते हैं ना, तो 2 मिनट तो एटलीस्ट देखिए, जरूर देखिए, 2 से 2.5 मिनट आप देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो फुल वीडियो वॉच करिए, नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे किसी के पास टाइम नहीं होता। ऐसे यूट्यूबर के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, और जितने भी हमारे फ्रेंड उसमें हैं सभी हाउसवाइफ है, मोस्टली हाउसवाइफ है। तो समझ सकती हूँ, बच्चे, घर और फिर यूट्यूब, अपना वीडियोस बनाना और फिर उसको एडिट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, रियली में बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे मुझे डिफिकल्ट लगता है, सेम आपको भी लगता होगा। बच्चों के साथ तो कुछ भी नहीं होता है, और हम फिर भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है रियली में। कोई समझे या ना समझे, हम लोग तो समझ ही सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि हम एक दिन में, इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अभी जो कुछ दिन से मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, और मैंने कुछ अपनी फ्रेंड्स वगैरह से भी बात की थी, तो उन लोगों के साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, शायद आपके साथ भी आ रही होगी। ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ ही प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जो रैंकिंग है वो बहुत लो हो रहा है, मतलब रैंकिंग बिल्कुल खराब हो चुका है। और रीजन क्या है रैंकिंग खराब होने का, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो रैंकिंग कैसे खराब हो गई है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो YouTube है, ऐसा नहीं है कि YouTube हमारी वीडियोस को सजेस्ट नहीं करता। हम लोग क्या कहते हैं कि यार हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, YouTube जो है वो हमारा वीडियो आगे वही नहीं कर रहा है कि रैंक हो हमारा वीडियो। रैंक तो हम लोग खुद खराब कर रहे हैं अपनी वीडियोज का, रैंकिंग जो है हम खुद खराब करवा रहे हैं। और कैसे खराब करवा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब फॉर सब तो खैर हो ही रहा है, विदाउट सब फॉर सब कुछ नहीं हो सकता है आज के टाइम में यूट्यूब पे। लेकिन सब फॉर सब करो, लेकिन ऑनेस्टी लॉयल्टी के साथ करो। अगर आप 10 फ्रेंड बनाते हो तो 10 फ्रेंड को आप अपना 2-2 मिनट तो आप दो ही, बिल्कुल दो। 2 मिनट भी अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज एक यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उनके वीडियोस पे मत जाओ, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। मैं क्या करती हूँ, अगर सपोज मैं ज्यादा लोगों की वीडियोस वॉच नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल रेयरली बोल रही हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ उनको मैं फॉलो करती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी का भी वीडियो चला के बैठ के देखूं, ये बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि वीडियो को चला के छोड़ देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं भूल जाती हूँ कमेंट करना, जब वीडियो को चला के सुनती जरूर हूँ। सुनना है अगर, जैसे कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता है तो जरूर देखते हैं। उसके बाद हमें कमेंट भी वही करना है जो वीडियो से रिलेटेड हो, सुनते जरूर रहना है। अब अगर आप बेबी के साथ बिजी हो तो वीडियो चला के छोड़ दो, सुनते रहो, देखते रहो, बेबी को भी देख लो, कुछ काम कर रहे हो तो भी आप वीडियो को चला के छोड़ दो, देखते रहो, और फिर कमेंट लास्ट में कर दो। चाहे तो आप कमेंट भी मत करो, लेकिन अगर वीडियो देखते हो वो अच्छी बात है। रैंकिंग कैसे खराब हो रही है, रैंकिंग ऐसे ही हो रही है, आप वीडियोस पे आते हो, वीडियोस अगर जिनका चैनल मोनेटाइज है उनका एड देखते देखते ही आप लोग कमेंट कर देते हो। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एड खत्म नहीं होता है और कमेंट करके जा चुके होते हैं सिर्फ टाइटल देख के। तो प्लीज ऐसा मत करिए, टाइटल देख के कमेंट्स मत किया कीजिए। और स्पैम में कैसे जाता है वीडियोस, यहाँ पे मैं वो चीज भी बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो जिसको भी कमेंट करती है ना, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड ही कमेंट क्यों ना करे, तो स्पैम में चला जाता है उसका कमेंट। और मेरा भी शायद जाता होगा स्पैम में कमेंट, ऐसी बात नहीं है कि मेरा नहीं जाता, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। कम से कम 2 से 3 मिनट तो वीडियोस को मैं वॉच जरूर करती हूँ, बिना करे मैं 2 मिनट तो देखती हूँ, बाकी मैं चला के छोड़ देती हूँ अगर मेरे पास नेट हो, टाइम होता है तो। उसके बाद
कमेंट स्पैम में क्यों जाता है, एक चैनल पे आता है क्रोम में जाके कि आप अपना स्पैम वर्ड्स को, कीवर्ड्स कुछ होते हैं जिसको चूज करके स्पैम में फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है सब डन और बहुत सारे ऐसे मैंने वर्ड्स को स्पैम में किया हुआ है। तो अगर आप लोग वो चीजें लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक स्पैम में चला जाएगा मेरे वीडियोस पे। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने कौन कौन से कीवर्ड्स अपने चैनल में स्पैम में किया हुआ है। सब डन बैक, ये तो कंपल्सरी मैंने तीनों तो किया हुआ है, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। हाँ तो गाइस फिर लास्ट में मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मेरा थंबनेल वगैरह सेव नहीं हो रहा था, मैंने क्या किया, एक सर हैं उन सर का चैनल का नेम मैं बता, चैनल का लिंक जो है वो मैं दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, उनका वीडियोज आया था। तो फिर मैंने वो वीडियो देखा कि कैसे क्या करना है, फिर मैंने वही वीडियो को देखने के बाद फिर मैंने किया तो मेरा हो गया था थंबनेल सेव। मैं उससे पहले यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज देख डाली थी, ऐसा कोई भी वीडियोज नहीं आया था, हालांकि ऐसा कुछ इतना हार्ड नहीं है लेकिन समझ का फेर है, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो जैसे मैंने किया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने किया हुआ था, वो मैं लास्ट में लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और रैंकिंग खराब मत कीजिए प्लीज। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो है सबसे ऊपर में मेरा, उस पे मैं करूंगी क्लिक और कैसे सेव करना है वो मैं दिखा दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेव होने का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, तो ये जो पहले के इमोजेस हैं उसको मैं हटा रही हूँ, और यहाँ पे जो साइन है मैंने लगाया हुआ है इसको भी हटा दूंगी। कुछ वर्ड आपको भी चेंज करना होगा, आप कट करके दोबारा से उसको ही मेंशन कर सकते हैं या दूसरा, उसके बाद सेव होने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन भी हो गया है, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, सेव हो रहा है, उस टाइम से ग्रीन नहीं था, अब ग्रीन हो जाएगा मेरा जो डॉलर है वो। पहले सेव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था बिकॉज वही चेंजेस करने होते हैं, कुछ वर्ड को कट करके दोबारा आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं ये रिफ्रेश हो गया है, अब ग्रीन डॉलर आ गया है। तो इस तरीके से